हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। शेर सिंह, ओ दिन याद किया? कौन सा दिन? तुमने मुझसे एक दिन यही पूछ रहा था शेर सिंह कि सरदार जी, अगर ये अंजू अपनी बड़ी बहन मंजू को घर से बाहर निकाल देगी, हाँ, इधर अपने पिताजी को कैद खाने में बंद कर देगी, हाँ, इस हवेली में अकेली कैसे रहेगी? कैसे रहेगी? ये तो मैं सही से। और ये भी सोचते थे शेर सिंह, हाँ, सरदार, कि सरदार जी हमारे अंजू का सारा काम करते चले आए, लेकिन अभी तक एक पैसा भी हाथ नहीं लगा। वही तो मैं आपसे कहने वाला था सरदार जी। लेकिन शेर सिंह, तुम्हें मालूम नहीं, हाँ, जिस वक्त अंजू भागते वक्त हमारे अड्डे पर हमसे मदद मांगने गई थी, उस वक्त मुझसे ये कहने लगी कि सरदार जी, अगर हमारा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया इनाम दूंगा। हाँ सरदार जी। लेकिन उसके 20,000 रुपये तो कहने पर आ गया, लेकिन शेर सिंह, हाँ, उसके पैसे पे नहीं बल्कि उसके सूरत पर दीवाना हो गया था। ये बात रहा सरदार जी। उसके सूरत पर दीवाना होकर उसका मैं सारा काम करते चला आया, लेकिन अंजू यही सोचती थी कि शैतान सिंह हमारे पैसे पे काम कर रहा है। लेकिन शेर सिंह, जिस वक्त मैंने महाराज को अरेस्ट करने गया, हाँ सरदार, तो उस वक्त हमारी नजर महाराज के हवेली पर पड़ी। हो तो देखा शेर सिंह, उस हवेली में तो बहुत से दौलत भरा हुआ था। बहुत से दौलत, बहुत से दौलत। उस हवेली को पाने के लिए, उस दौलत को पाने के लिए, अंजू को अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए मैंने ये सारा खेल रचाया शेर सिंह। हाँ सही सरदार जी। और वो दिन, वो समय, वो घड़ी आ गई, आ गई है, आ गई है। लेकिन शेर सिंह, एक काम करो। हाँ सरदार जी। जाके अंजू को बुलाकर हमारे सामने पेश करो। आज अपने दिल की बात अंजू के सामने पेश करूंगा। जल्दी जाओ। अरे सरदार जी, क्या बात थी? आज तुम्हारे चेहरे पे कोई खुशहाली नजर नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं, झुरियां छा गई है, क्या बात है? अरे पैसा वैसा कम पड़ गया हो तो मुझसे बताओ। पैसे की बात नहीं है अंजू। हाँ लगता है मुझे, क्या, कि तुम अभी नाश्ता पानी नहीं किए हो। नाश्ता पानी करके पकौड़ा सगौड़ा हम लोग खा कर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फिर क्या बात है जो अफसोस किए हो? अंजू, आज तुम्हें मैं बहुत जरूरी काम से बुलाया हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि जो बात मैं तुम्हारे सामने पेश करूंगा, मेरी बात को इनकार नहीं करोगी। अरे सरदार जी, जब मेरा हर काम मेरी सारी पे तुम करते आए हो, तो भला मैं कैसे तुम्हारी बात कर सकती हूँ? तो मेरी बात ध्यान से सुनो अंजू। ध्यान से बात अंजू हमारी सुनो, पूरा कर दो मेरे दिल का अरमान है, सारी कर दो रियासत मेरे नाम है, मेरी दुल्हन बनो तुम मेरी जान है। अगले तेरी गई मारी क्या शैतान सिंह? क्या मेरी अकल मार गई है? ऐसे बेहुदा अल्फाज जो तू कर रहा, जानता सब रियासत मेरे नाम है, फिर बकवास मुझसे तू है कर रहा। अरे छोड़ना शायद जिंदा नहीं चाहिए, करके विश्वास धोखा न खाऊंगा मैं, बनूंगा मैं राजा तू रानी बनो, मौज से अपना जीवन बिताऊंगा मैं। अरे तेरे चंगुल में अंजू फंसेगी नहीं, फंसेगी सर में से आज सर मेरा है झुका, अपने प्यारे पिता को सताई बहुत ही, मार दो मुझको गोली ये मंजूर है। सता सिंह, मैं तुम्हारे चंगुल में कभी नहीं आ सकती। आज तू मुझे गोली मार दे मुझे मंजूर है, आज तो मैं खुद ही पछता रहे हूं और पछता ताप के आग में जल रही हूँ कि मैं अपनी एक भोले भाले पिता को, इतना प्यार देने वाले पिता को इतना सताई कि आज दुनिया मुझे कभी नहीं माफ करेगी। मैं एक गुड़िया जैसी बहन को
गुड़िया जी से अपनी बहन को कहां से कहां पहुंचा दिया। आज ये जमाना ये जनता मुझे कभी नहीं माफ करेगी। आज तो मुझे बेशक गोली मार दे शैतान सिंह, लेकिन मैं जीते जी इलाज ये पापल्टी अपनी मैं तुम्हारे हवाले कत्ते नहीं कर सकती हूँ। अंजू तू क्या सोचती थी कि ये शैतान सिंह हमारे पैसे पे काम कर रहा था? नहीं अंजू, जिस वक्त भागकर हमारे अड्डे पे गई मुझसे मदद मांगने के लिए, तुमने कहा कि अगर शैतान सिंह हमारा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया इनाम दूंगा, लेकिन उस वक्त मैं तुम्हारे पैसे पे नहीं बल्कि मैं तेरे सूरत पर दीवाना हो गया था, और तेरे सूरत पर दीवाना होकर मैं तेरा सारा काम करते चला आया। तेरे ही कहने से तुम्हारी बड़ी बहन मंजू को उस जंगल में बांध दिया, शेर बाघ चीता खा गए होंगे। किस लिए? तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारे ही कहने से उस कोलिया को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया, वो भी दुनिया छोड़ के चला गया। किस लिए? तुम्हें पाने के लिए। तुम्हारे ही कहने से तुम्हारे पिताजी को अरेस्ट करके उन्हें कैद खाने में बंद कर दिया। किस लिए? तुम्हें पाने के लिए। और तू सोचती थी कि ये शैतान सिंह हमारे पैसे पे काम कर रहा था? जिस वक्त तुम्हारे पिताजी को मैंने अरेस्ट करने गया तो उस वक्त हमारी नजर तुम्हारे हवेली पर पड़ी, तो देखा तो उस समय तुम्हारे हवेली में तो बहुत से दौलत भरा हुआ था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि एक दिन इस हवेली का मालिक बनूंगा और अंजू को अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा। तू मुझे अपनी रानी बनाएगा? और क्या? और तू यहाँ का राजा बनेगा? क्यों नहीं? अरे काले कौए की औलाद सरदार जी, जरा एक बार अपना थोबड़ा शीशे में देख। अरे तू जंगल में रहने वाला एक जंगली जानवर की तरह घूमने वाला तू यहाँ का राजा बनेगा? अरे बेकूफ के दुम, तू तो यहाँ का चपरासी नहीं बन सकता रे, तू क्या राजा बनेगा? सरदार जी, काला काले कौए की औलाद बोल रही है। अरे तुझे मालूम होना चाहिए इनका काली बंदूक, वाह, इनका काला बाल, वाह, इनका काला ड्रेस, वाह, काला इनका धंधा, और इनके ये अपने दुश्मन को मारते हैं ना तो काला कफन देते हैं, कफन। अरे कमजोरी लाल, जो काल के गाल में फंस जाता है तो फड़फड़ाने के सिवा कोई रास्ता नहीं। च्याँ करती है चिड़िया। अरे रंजू, तू कह रही है कि इस हवेली का मालिक नहीं एक चपरासी भी नहीं बन सकता? ये शैतान सिंह जो चीज को पसंद करता है उसे हासिल करके रहता है, और दुनिया की कोई शक्ति नहीं कि जो शैतान सिंह को इस हवेली का मालिक बनने से रोक सके। ए मंकी की औलाद, अरे हरामखोर सरदार जी, अरे हरामखोर, तू अब बंदर है जो कि मेरे उंगलियों पे नाचता है, और तू अब कुत्ता है जो कि डेली मेरी रोटियां खाता है। आज तेरी क्या औकात है रे जो कि मेरे सामने तू भूख 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 की आवाज कर रहा है? हाँ हाँ अंजू, मुझे कुत्ता बोल, कुत्ता इसलिए बोल कि मेरे मन को फाड़ा तो कुत्ता काट के खाया। ये शैतान सिंह लोमड़ी का दूध पी के बड़ा हुआ है, लोमड़ी का। आज इस हवेली का मालिक बनूंगा और तुझे अपनी दुल्हनिया बनाऊंगा, और दुनिया की कोई शक्ति नहीं और कोई हस्ती नहीं कि जो शैतान सिंह को इस हवेली के मालिक बनने से रोक सके। ए शैतान सिंह, अरे तू मुझे यहाँ से जाने दे, मुझे बाइज्जत जाने दे, वरना ओ लात मारूंगी कि तेरी बतीसी नीचे हो जाएगी। अगर मैं अपने को सता सकती हूँ तो तुम जैसे हरामी पिल्ले को जान से खत्म कर सकते हो। मालूम है कि जो लड़की अपने को नहीं हो सकती वो पराये को क्या हो सकती है। आज मुझे मालूम हो गया है अंजू कि तुम्हारे एक ही इशारे पर मैं तेरा सारा काम करते चला आया, लेकिन आज ये शैतान सिंह छोटी सी बात तुम्हारे सामने पेश कर दिया तो उसकी बात को इनकार कर। हाँ, हाँ, इनकार है, मर जाओगे लेकिन इनकार है, इनकार।
अरे हे अंजू, काहे को अपनी जिंदगियां ये शैतान सिंह से नष्ट करा रही हो? छोटी सी बात है मान लो, वरना अगर मेरी बात को इनकार करोगी तो समझ लो ये शैतान सिंह तुझे गोली का निशाना बना देगा। वाह, बोल मेरी तू बात। मुझे गोली मारेगा? जी हाँ, मुझे। हाँ, एक औरत पर? क्यों नहीं, एक निहत्थे औरत पर। अरे हराम खोर, मुझे मालूम हो गया तू किसी मर्द का बच्चा नहीं है। फिर तू ना मर्द का बच्चा है। अच्छा, अगर तेरी माँ तुझे पैदा होने पर एक बूंद दूध पिलाई है तो एक हथियार मेरे हाथ में दे दे और एक हथियार तू उठा ले। फिर औकात में तू आ जाएगा कि कौन किसको जान से खत्म कर सकता है। ये शैतान सिंह ऊंची आवाज कम पसंद करता है। बोल मेरी बात को, तुझे मंजूर है या नहीं मंजूर है? इनकार है रे इनकार। अगर तुझे मेरी बात को इनकार है तो मरने के लिए भी तैयार हो जा। आज ये शैतान सिंह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज इस हवेली का मालिक मैं बनूंगा और शेर सिंह मेरा दीवान बनेगा। दीवान बनूंगा। वे देवरान क्या है बे? नहीं, दीवान। नहीं, बोल। ऐसा मत करना। तू मेरी बात को मंजूर करती है या नहीं? ऐसा मत करना सर। मरेगी मरेगी तू। ना ना ना, ऐसा मत करना। अगर अपनी जान की भलाई चाहती हो तो ये रियासत हमारे नाम कर दो। अगर नहीं अपनी जान की भलाई चाहती हो तो ये दुनिया छोड़ के ऊपर चली जाओ। ऐसा मत करना शैतान सिंह, ऐसा मत करना। तो मेरे ऊपर गोली नहीं चलाना। गोली नहीं चलाना जिंदगी तक तू पछताएगा रही। जिंदगी तक तू पछताएगा। ए शैतान सिंह, अपनी शैतानी हरकत जरूर दिखाएगा। जो मेरी बात को इनकार करता है उसका अंजाम यही होता है। तू मेरी बात को इनकार कर रही है तो मरने के लिए तैयार हो जा, और देखता हूँ तुझे बचाने के लिए यहाँ पर कौन आता है। जरा सा हिलने की कोशिश किया तो हमारे साथी तुम्हारी बदन गोलियों से छलनी कर देंगे। बोल मेरी बात तुझे मंजूर है या नहीं? अगर मेरी बात को नहीं मंजूर है तो खड़ी हो जा। ये 3 ही सेकंड में तुम्हारे खेल का कहानी समाप्त हो जाएगा। नंबर और नंबर 2 और नंबर 3। हराम जादी बकुली बहुत टाइम टाइम बोलती थी। बकुली की तरह बहुत फड़फड़ा रही थी। इनकार करती तूने? चल दुनिया छोड़ के जा तू। शैतान सिंह, आज तूने क्या किया रे? मैंने ठीक किया, मुझे सचमुच गोली मार दिया। ठीक है शैतान सिंह, आज जैसे मैं दुनिया छोड़ के जा रही हूँ, आज मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, उसी तरह मैं तुम्हें शराब देती हूँ तो भी मेरी तरह मारा जाएगा, तेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा रे। पिताजी पिताजी मुझे माफ करना, मेरी बहन मुझे माफ करना, मैं आज ये दुनिया छोड़ के जा रही हूँ। दुनिया वालों मेरी तरह कोई माँ बहन मत करना, मुझे माफ करना तेल लगा के। देखा शेर सिंह? हाँ सरदार जी। तो मेरी बात को इनकार करता है उसका अंजाम यही होता है। ए साली, मेरी बात को इनकार की और दुनिया छोड़ के चली गई। लेकिन एक काम करो शेर सिंह। हाँ, क्या काम है सरदार जी? इस लाश को ले चलो किसी झाड़ी में फेंक दिया जाए ताकि साला कुत्ता ना पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो कमजोरी लाल। ठीक है, उठाओ लाश को और ले चलो।
रहा था। अबे कमजोरी लाल सरदार जी बोलो क्या। अरे मेरी बात ध्यान से सुन। हाँ जी सरदार जी, अब कहिए क्या बात। शेर सिंह, हमारे रास्ते का रोड़ा साफ हो गया। साफ हो गया है। अरे इस हवेली का मालिक मैं बन गया। बन गया। और तुम यहाँ का दीवान। मैं दीवान बन गया यहाँ के। दीवान नहीं बे दीवान। दीवान दीवान। लेकिन शेर सिंह। हाँ सरदार जी। एक बात मेरे दिमाग में आ गई। क्या आ गई सरदार जी? यही सोच रहा हूँ शेर सिंह कि अगर महाराज जीवित रहेंगे तो मैं किसी कीमत पर यहाँ का राजा नहीं बन सकता। करेक्ट बात बोल रहे हैं। इसलिए कि महाराज को आज कैद खाने से बाहर निकालो और महाराज को भी फांसी पर चढ़ाऊंगा, उन्हें भी दुनिया से जुदा करूंगा। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। पुरानिया कहावत कहे रहें कि शेरे की मौत सियारे के हाथे होत। सही कह रहे हो कमजोरी लाल। हाँ। अरे कमजोरी लाल जल्दी कर बे। जल्दी हो गया। जल्दी कर सर, जल्दी कर। महाराज शायद आपको ये नहीं मालूम होगा कि आज ये शैतान सिंह तुम्हें कैद खाने से निकाल कर आज तुम्हारी फांसी क्यों दे रहा है। हाँ शैतान सिंह, यही मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी कथा क्या है जो कि मुझे फांसी की तख्ते पर चढ़ा गया। ठीक पूछ रहे हैं महाराज। महाराज आपकी बेटी जो छोटी अंजू है वो एक दिन भागकर हमारे अड्डे पे पहुंची और मुझसे मदद मांगने के लिए महाराज उसने कहने लगी कि अगर सरदार जी तुम हमारा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 20,000 रुपया इनाम दूंगा। लेकिन महाराज उसके पैसे पे नहीं बल्कि उसके सूरत पर मैं दीवाना हो गया था। उसके सूरत पर दीवाना होकर उसका मैं सारा काम करते चला आया। लेकिन अंजू यही सोचती थी कि शैतान सिंह हमारे पैसे पे काम कर रहा था। उसी के कहने से महाराज मैंने आपको बड़ी बेटी मंजू को उस जंगल में बांध दिया, शेर बाघ चीता खा गए होंगे। उसी के कहने से महाराज मैंने कोहिया को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और भी दुनिया छोड़ के चला गया। और उसी के कहने से महाराज मैंने आपको अरेस्ट करके कैद खाने में बंद कर दिया। और जिस वक्त महाराज आपको अरेस्ट करने गया तो उस वक्त हमारी नजर आपके हवेली पर पड़ी तो देखा महाराज उस हवेली में तो बहुत से दौलत भरा हुआ था। उस हवेली को पाने के लिए और अंजू को अपना अपनी दुल्हनिया बनाने के लिए मैंने ये सारा खेल रचाया। और जब मैंने इस हवेली का मालिक बनने के लिए अंजू के सामने मैंने अपनी बात को पेश किया तो जानते हो महाराज उसने क्या किया? मेरी बात को इनकार किया। मेरी बात को इनकार किया और शैतान सिंह गुस्से में आकर उसे गोली का निशाना बना दिया महाराज। और वो भी दुनिया छोड़ के चली गई। फिर मैंने सोचा महाराज कि अगर महाराज जीवित रहेंगे तो मैं किसी कीमत पर यहाँ का राजा नहीं बन सकता। इसलिए महाराज तुम्हें कैद खाने से निकाल कर आज तुम्हारी फांसी शैतान सिंह चढ़ा है। आज तुम्हें फांसी पर चढ़ाया हूँ। आज तुम्हें भी दुनिया से जुदा करूंगा। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। शैतान सिंह, इस राज का मालिक बनने के लिए तूने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया और मुझे भी खत्म करना चाहता है। जी हाँ महाराज। लेकिन एक बात ध्यान में नहीं रखा, शैतान सिंह जिसके राज में जिसके किस्मत में राज लिखा रहता है उसी को राज मिलता है। मुझे भी मार डालो अगर तुम्हारे किस्मत में राज नहीं है तो फिर राज नहीं पा सकता। महाराज हम लोग ओ पंछी हैं, ओ शिकारी हैं कि अपने आप को नसीब बनाता हूँ और अपने आप को बिगाड़ता हूँ। बहुत सही। लेकिन शेर सिंह। हाँ सरदार जी। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। तीन कहने पर तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। बहुत सही।
सरदार जी जाओ शेर सिंह जल्दी करो नहीं सुबह सुबह माँ भवानी गुस्से में हो जाएगी। सरदार जी नंबर बजाओ नंबर बजाओ नंबर ये नंबर ए और नंबर दो रुक जा चलाना नहीं वरना इसके ही पहले तू मर जाएगा चूक सकता हमारा निशाना नहीं। अरे कौन है बीच में तू मेरे आ गया खाम खा दुश्मनी मुझसे क्यों ले रहा भाग जा खैरियत करिए तू चाहता मुक्त में जान मुझसे तू क्यों दे रहा। अबे हो गया अंधा पाजी तू शैतान है करता पहचानने से जो इनकार है मैं वही कोढ़ी हूँ अबे फेंक जिसको दिया आके कर सामना ले के तलवार है। अरे तू है कोढ़ी वही मुझको मालूम हुआ जिस्म का मैं तेरे चार हिस्सा करूँ तू न बच करके जा पाए जिंदा यहाँ मार तलवार से खत्म किस्सा करूँ। देखा बलवंत इसका नाम है कमजोरी लाल देखने में कमजोर है लेकिन काम करने में बहुत स्पष्ट है हमारा इशारा ही पाते ही तुम्हारे हाथ से पिस्टन छीन लिया। ये साला उस जगह मारा जाएगा जहाँ इसको पानी नहीं मिलेगा। हम लोग पानी नहीं पीते हम लोग महुआ वाला पीता हूँ। बलवंत शायद तुम्हें ये नहीं मालूम होगा कि वो इंसान है कि पत्ता हिलने से पहले जड़ को काट के फेंक देता है। शायद तुम्हें मालूम नहीं होगा बलवंत इस हवेली के चारों तरफ हमारे आदमी लगे हैं एक भी कदम आगे बढ़ाया तो तुम्हारी बदन गोलियों से छलनी हो जाएगी। ये तो तुझे वक्त बतलाएगा शैतान देखा जाएगा। अबे कमजोरी जाल क्या करता है बे कैद कर ले और कैद करके इस खम्भे में बांध दो इसे भी मालूम हो जाएगा कि शैतान सिंह से टकराने का अंजाम क्या होता है। शेर सिंह हाँ सरदार जी तीन कहने पर तुरंत फांसी का फंदा खींच लेना। अबे इधर पकड़ इसको अरे। हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है और यहाँ का मैं राजा बहुत जल्द ही बन जाऊं। सरदार जी बोलिए उधर खड़े हो जाओ शेर सिंह राइट नंबर बोलिए कमजोरी लाल तैयार हो जाओ नंबर ए नंबर ए और नंबर दो क्या दीजिए हो ले जाओ इस रात को हम उठा ही ना पाए। मुझे नहीं पहचान रहे हैं। नहीं मैं बिजनौर का महाराज जसवंत सिंह हूँ। आप बिजनौर के महाराज जसवंत सिंह हैं? महाराज अगर आप एक मिनट की देरी करके पहुँचते तो शैतान सिंह मेरी जान ले सकता था। हाँ महाराज लेकिन मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान। भगवान किसी न किसी रूप में किसी को भेज कर किसी जान बचा लेते हैं। कह रहे हो महाराज महाराज ये मेरा बेटा बलवंत सिंह है मुझसे आगे लेकर जंगल में शिकार खेलने गया जंगल में एक अनजाने में एक जोगिन माँ की हत्या हो गई और बाबा क्रोध में आकर श्राप दे दिया और इस शरीर में कोढ़ हो गया। हाँ महाराज इसे तो कोढ़ हो गई थी। अरे घूमते टहलते ठोकर खाते हुए आपके राज में आ गया आपके राज में आने पर देखा शैतान सिंह आपकी बेटी मंजू की छेड़ रहा था। शैतान सिंह मेरी बेटी मंजू को छेड़ रहा था? हाँ महाराज इसे आपकी बेटी की इज्जत बचाया और तुम्हारी बेटी इसके साथ हमदर्दी बताने लगी अपने हाथों से खाना खिलाने लगी लेकिन आपने अपनी छोटी बेटी बहकाने में आकर आपने क्या किया? धन्य हो महाराज
सिंह महाराज, आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने अपनी छोटी बेटी अंशु के कहने पर ही तुम्हारे बेटे कोढ़ी के साथ अपनी बेटी की शादी कर दिया। मैंने अंशु के कहने पर मंजू को और तुम्हारे बेटे कोढ़ी को अपने राज से बाहर कर दिया। मैंने बहुत गुनाह किया महाराज। जानते हैं महाराज, सैतान सिंह आपकी बेटी को पेड़ में बांध रखा था। पेड़ में बांध रखा था और मैं बेटे को ले जाकर एक पहाड़ी के नीचे फेंक दिया। मैंने मौके पहुंचकर आपकी बेटी की जान बचाया महाराज। और तुम्हारी बेटी से मालूम हुआ कि आपको सैतान सिंह कैद खाने में डाल रखा था। हाँ महाराज। और आपकी जान खतरे में थी, इसे आपको बचाने के लिए आपके पास आ गया। आप तो इंसान नहीं बल्कि एक भगवान है। मेरी बेटी को बचा लिए, मुझे भी बचा लिए और अपने बेटे महाराज ये सब एक मनुष्य का कर्तव्य है। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ठीक कह रहे हो महाराज। महाराज शायद आपको नहीं मालूम, मेरी महारानी अपने बेटे के वियोग में तड़प रही हैं। अगर मैं समय से नहीं पहुंचा मुझे महारानी से हाथ धोना पड़ेगा। महाराज जिसका बेटा अपने माता पिता से बिछुड़ जाए उसके माता पिता भला कैसे जिंदा रह सकते। इसे महाराज मैं अपने वतन को जाना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे क्या कह के जा रहे हो। महाराज चिंता मत कीजिए, मैं आपके दिल की बात को जानता हूँ। महाराज आज तो मैं अपने राजमहल जा रहा हूँ, कुछ दिनों के पश्चात मैं और मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी मंजू यहाँ आएंगे। आप अपनी बेटी को राज तिलक कर दीजिएगा और मैं भी अपने बेटे को राज तिलक कर दूंगा और हम आप राजमाया को छोड़कर कहीं सुंदर स्थान पर चलकर भगवान की तपस्या करेंगे। बड़ी अच्छी बात है महाराज, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा महाराज जाइए। चलना चाहता हूँ महाराज। आओ बेटी। क्यों बेटी, राजवादा किए तुम्हें रिवा करके कुछ दिन बाद जरूर आएंगे, तुम्हें रात तक कर दूंगा। अरो नहीं बेटी जा। हाँ यहीं से हमारा खेला समाप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय। हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।